जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपन आज अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूटी रखते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। टाइम एंड डिस्टेंस आप पहले पढ़ चुके, टाइम एंड डिस्टेंस में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आने वाले भी अपन पढ़ चुके। उसमें अपन ने लगभग दो दो तीन तीन क्लासे अपन ने ले ली और वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप उन क्लासेज को ले लीजिएगा, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आजकल क्या है, बोट एंड स्ट्रीम से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, नाव एवं धारा अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। देखो, उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ने चाल पढ़ी थी, दूरी पढ़ी थी और समय, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखा था। इसमें एक साथ में, जैसे मानो ये कोई नदी है, इसमें ये अपन ने नाव बना दी, ये नाव है। अब मैं इसमें बात कर रहा हूं कि नाव की जो चाल है, वो नाव इस दिशा में जा रही है और इसकी चाल है 5 किलोमीटर पर हावर। मान के चलो इसकी चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये दो दिशा में गति कर सकती है, या तो ये धारा की दिशा में गति करेगी, धारा की दिशा यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में गति करेगी, या तो ये धारा के प्रतिकूल दिशा में गति करेगी, धारा की प्रतिकूल दिशा में गति करेगी, या तो ये धारा की दिशा में गति करेगी या ये धारा के प्रतिकूल दिशा में करेगी। और तीसरा एक कॉम्बिनेशन और बनता है दोस्तों, वो बनता है शांत जल में इसकी चाल, शांत जल में चाल। जो शांत जल में चाल होती है दोस्तों, वो खुद जो नाव की एक्चुअल चाल होती है वो होती है शांत जल में चाल। शांत जल में चाल, जैसे मैंने कहा कि ये नाव 5 किलोमीटर पर हावर से शांत जल में चाल है इसकी, ये जो चाल है ये कौन सी चाल है, शांत जल में चाल। अब अगर ये धारा की दिशा में गति करेगी, मानो धारा की जो चाल है वो है 3 किलोमीटर पर हावर, कितनी है 3 किलोमीटर पर हावर, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो यदि ये धारा की दिशा में चाल करेगी तो ये जो 3 किलोमीटर है ये धारा की वजह से, और 5 किलोमीटर इसकी शांत जल में स्पीड है, तो धारा की दिशा में जो स्पीड होगी वो क्या होगी दोस्तों, ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ऐड, 8 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। इसका मतलब धारा की दिशा में अगर अपन चाल ज्ञात करेंगे तो अपन शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल ऐड कर देंगे तो वो क्या जाएगी, धारा की दिशा में चाल। अगर अपन धारा के प्रतिकूल दिशा की बात करते हैं तो ये जो नाव है ये 5 किलोमीटर पर हावर से इधर चलेगी, लेकिन जो धारा की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर वो उसको क्या करेगी, कम करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो नाव की शांत जल की जो चाल है उसमें से अगर अपन धारा की चाल घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगी, धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल आ जाएगी। ये डायग्राम बना लीजिए दोस्तों कि शांत, तीन प्रकार की चाल होगी, एक तो धारा की दिशा में, एक शांत जल में चाल और एक धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल। शांत जल में जो चाल होगी वो नाव की एक्चुअल चाल होगी, धारा की दिशा की बात करेंगे तो धारा की चाल है वो उसमें शांत जल की नाव की चाल में ऐड कर देंगे तो वो धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। और अगर प्रतिकूल की बात करेंगे तो नाव की जो चाल है उसमें धारा की चाल घटा देंगे तो धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल आ जाएगी। देख लीजिए, उतार लीजिए, अभी अपन बात कर रहे थे, पहली जो है वो है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में जो चाल होगी वो होगी शांत जल में नाव की चाल
प्लस दारा की चाल, दारा की चाल ये क्या होगी, दारा की दिशा में चाल। फिर एक होगा दारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो होगी शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, धारा की चाल जो धारा की चाल है वो उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी विपरीत प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, और ये अनुकूल दिशा यानी धारा की दिशा में इसकी चाल हो जाएगी। ये दो चाल हो गई। एक होता है दोस्तों शांत जल में नाव की चाल, ऐसे मानो कि अपन को धारा की दिशा की चाल दे रखी है, धारा के विपरीत दिशा की चाल दे रखी है और शांत जल की पूछे तो अपन कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल दोनों को ऐड करके और दो का भाग दे देंगे, क्योंकि दो बार वो ऐड हो जाएगी, दो का भाग दे देंगे तो ये क्या जाएगा शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। दोस्तों एक आता है धारा की चाल, अगर धारा की चाल इनसे ज्ञात करनी हो तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं वो ही एक बटा दो दोस्तों जो धारा की दिशा में चाल है उसमें से धारा की जो विपरीत दिशा में जो चाल है, धारा के प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा की जो चाल है वो घटा देंगे, विपरीत दिशा में चाल घटा देंगे। ये चार सूत्र याद कर लो दोस्तों, धारा की दिशा में चाल शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा के विपरीत दिशा की बात करें तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल घटा देंगे, और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करेंगे तो धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत दिशा की चाल को जोड़ के और उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। अगर धारा की चाल निकाल ली हो तो धारा की दिशा में जो चाल है उसमें से विपरीत दिशा की चाल घटा देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो वो धारा की चाल आ जाएगी। ये चारों उतार लीजिए दोस्तों, चारों उतार लो। चलो अब समझते हैं अपन, जैसे मानो शांत जल में जो नाव की चाल है वो अपन ने बताया कि 5 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे मान के चलो 5 किलोमीटर पर आवर है, और अपन को धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। मैं पूछ रहा हूं धारा की दिशा में चाल, और धारा की दिशा में चाल क्या होगी, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन शांत जल में जो चाल है उसमें धारा की चाल जोड़ देंगे तो जो आएगी वो क्या आएगी धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। अगर मैं बात करूं धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में चाल, विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी, इस शांत जल में जो चाल है उसमें धारा की चाल घटा देंगे तो वो क्या जाएगी प्रतिकूल दिशा में चाल आ जाएगी। अब देखो इन दोनों से आप इन ऊपर का छोड़ दो, अगर इन दोनों से अपन को शांत जल की चाल निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, शांत जल की चाल अगर इन दोनों से निकालनी हो, ऊपर का अपन को ये नहीं दे रखा हो तो अपन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करो 8 + 2, इन दोनों को ऐड करके इनका हाफ कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, वही ऊपर वाला 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत दिशा की चाल को जोड़ेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा शांत जल की चाल आ गई।
ऐसे ही अपन को अगर दारा की चाल ज्ञात करनी होती तो अपन क्या करते कि जो धारा की दिशा में चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, उसमें से धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है 2 किलोमीटर, ये घटा देंगे और हाफ कर देते इसका, तो वही 8 में से 2 घटाओगे 6, 6 में 2 का भाग दोगे 3 किलोमीटर पर आवर, देखो वही आ गया। तो ये अपन को चारों कॉम्बिनेशन समझने। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इन चार के अलावा बस ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एक नाव धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। नाव खेता है यानी नाव चलाता है, तो धारा की चाल है। अनुदिश जो होता है दोस्तों वो होता है धारा की दिशा, अनुदिश मतलब धारा की दिशा, और प्रतिकूल हो गया वो अनुदिश नहीं होगा, है ना, वो प्रतिकूल होगा, या तो अनुदिश या प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत और अनुदिश मतलब धारा की दिशा। तो एक नाव धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव कहता है, तो धारा की चाल। देखो धारा के अनुदिश जो चाल होगी वो क्या है, धारा के अनुदिश चाल निकालेंगे, इसमें अनुदिश चाल कितनी होगी, 1 किलोमीटर की गति, 5 मिनट में 1 किलोमीटर कर रहा है दोस्तों, 1 किलोमीटर को मैं 1 किलोमीटर 5 मिनट में, तो अगर अपन को इसकी चाल निकालनी है तो 1 घंटे किलोमीटर पर आवर में आंसर दे रखा है, तो अपन इसको किलोमीटर पर हावर में ही निकाल लेंगे दोस्तों। देखो 5 मिनट में अगर 1 किलोमीटर कह रहा है तो इसका मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना कहेगा, 1/5 × 60, ये 5/5 में जाएगा और 60 मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना जाएगा, 12 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो धारा की अनुदिश चाल होगी वो 12 किलोमीटर 1 घंटे में खेतेगा, तो मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर का मतलब यही होता है कि वो 1 घंटे में कितनों किलोमीटर चल रहा है, वो क्या होगी उसकी चाल होगी। तो यहाँ 5 मिनट की दे रखा है कि 1 किलोमीटर करता है, तो अपन 60 मिनट की निकाल लेंगे, 60 मिनट में वो 12 किलोमीटर खेतेगा, तो इसका मतलब ये इसकी जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर होगी धारा की अनुदिश दिशा में। फिर दे रखा है ये कि धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति, 1 घंटे में 6 किलोमीटर दे रखा है, तो ये हो गया धारा के विपरीत जो चाल होगी, विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो होगी 6 किलोमीटर पर घंटा होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्योंकि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चला रहा है तो 6 किलोमीटर पर आवर होगी। पूछ क्या रहा है, धारा की चाल, धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल अपन निकालते हैं तो इन दोनों को अनुदिश दिशा में जो चाल है उसमें विपरीत दिशा की चाल घटा के उसका अगर हाफ कर देंगे तो वो क्या होगी, धारा की चाल होगी, जो कि अपन ने नेक्स्ट इसमें पढ़ा था, नेक्स्ट इसमें पढ़ा था कि धारा की चाल है वो 1/2 धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है। तो इन दोनों में से धारा के अनुदिश जो चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, उसमें से धारा की विपरीत दिशा की चाल घटा देंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये अपने पास 3 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी, इसकी धारा की चाल आ जाएगी। तो यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो था अपने धारा की चाल निकालने का। अगर इसी क्वेश्चन में धारा की चाल ने पूछ के वो ये पूछ लेता कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो, तो क्या करते दोस्तों, कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करके इनका क्या कर देते, हाफ कर देते, 12 + 6 को ऐड करके इसका हाफ कर देते, तो जो आता वो आता दोस्तों शांत जल में नाव की चाल आती, तो वो कितनी आती, 9 किलोमीटर पर आवर आती, कितनी आती, 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ धारा की चाल निकालनी है तो धारा के अनुदिश चाल माइनस धारा के विपरीत चाल और उनका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। और अगर शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो धारा के अनुदिश चाल प्लस धारा के विपरीत चाल और उनका हाफ कर देंगे, एक में प्लस है और एक में माइनस, जो कि इसमें आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक नाव धारा के अनुदिश 1 घंटे में 8 किलोमीटर की गति से तथा धारा की
विपरीत दिशा में एक घंटे में 2 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो धारा की चाल बताओ। वो ये दोस्तों सेम इक्वेशन है, एक घंटे में 8 किलोमीटर, इसका मतलब जो धारा की दिशा में, धारा के अनुदिश जो चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो आप समझ रहे होंगे, यदि कोई नाव मान लो, कोई रेलगाड़ी मान लो, अगर वो 10 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है तो इसका मतलब उसकी चाल क्या हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर वो एक घंटे में 12 किलोमीटर चल रही है तो इसका मतलब उसकी चाल क्या होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। और मैं ये कहूँ कि यदि वो 30 मिनट में 6 किलोमीटर चल रही है तो उसकी चाल क्या होगी, 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपन को चाल घंटे पे देखनी है। अगर किलोमीटर प्लस हावर के देखते हैं तो एक घंटे में वो कितना किलोमीटर चला, अगर मीटर पर सेकंड की बात करते हैं तो वो एक सेकंड में कितना मीटर चला, ये इनकी क्या होती है, चाल होती है। तो ये एक घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब उसकी चाल क्या हो गई, 8 किलोमीटर पर हावर। अगर मैं विपरीत दिशा की बात करता हूं, धारा के विपरीत दिशा की चाल, दिशा की चाल तो वो है एक घंटे में 2 किलोमीटर की गति, तो यानी इसका मतलब इसकी विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो 2 किलोमीटर पर हावर होगी दोस्तों, 2 किलोमीटर पर हावर होगी। पूछ क्या रहा है, धारा की चाल, धारा की चाल निकालना मैंने बताया था, धारा की चाल क्या होती है, 1/2 × धारा के अनुदिश चाल माइनस धारा के विपरीत चाल। तो साहब 1/2 धारा के जो अनुदिश चाल है वो 8 है और धारा के विपरीत है जो 2 है, तो इसमें 6 में 2 का भाग दोगे वही 3 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएगी। अगर इसमें शांत जल की चाल होती तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और फिर 5 किलोमीटर पर आवर इसका क्या जाता, आंसर हो जाता। ये NTPC में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन कुछ गाइडेंस की वजह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी अपने क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आजकल क्या है, नाव एवं धारा के क्वेश्चंस हैं जो रेलवेज में, CGL के अंदर सभी में बहुतायत में पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में से नाव एवं धारा का ये क्वेश्चन आजकल लगभग हर एग्जाम में मिल रहा है। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट, इसको अपन क्या करते हैं, रेलगाड़ी तक पढ़ लेते हैं और कुछ साल वगैरह डिस्टेंस वगैरह वो पढ़ लेते हैं, नाव एवं धारा का छोड़ देते हैं, और फिर पढ़ा हुआ सारा क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए इस क्लास को थोड़ा लाइटली लीजिएगा दोस्तों। अब अपन पढ़ रहे हैं कि एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है। अब देखो इसमें, उसमें समय चाल दे रखी थी, अब इसने कोई दूरी दे दी। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करते जाओ। मान लो कि वो कोई दूरी क्या है, डी, ऐसे मान के चलो। वो कह रहा है कि कोई दूरी, वो धारा के अनुदिश दिशा में ये जो धारा बह रही है और ये नाव है, ये धारा के अनुदिश दिशा में बह रही है और ये इस दिशा, इसको कितने समय में पूरा कर रहा है, 8 घंटे में इसको तय कर रहा है। अगर मैं धारा के विपरीत दिशा की बात करता हूं तो विपरीत दिशा में इसे ये 8 घंटे में पहुंच जाता है और विपरीत दिशा में ये 10 घंटे में वापस आता है, कितने, 10 घंटे में वापस लौटता है। तो यदि धारा की दिशा 1 किलोमीटर पर घंटा हो, सॉरी धारा की दिशा, ये धारा की चाल है, दिशा की जगह आएगा चाल, धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा के अनुदिश चाल ज्ञात करो। इसने धारा की चाल दे दी दोस्तों, अपन धारा की चाल कितनी दे दी, 1 किलोमीटर पर हावर, तो धारा के अनुदिश नाव की चाल पहुंच रहा है। देखो ये इस डिस्टेंस को 8 घंटे में, तो धारा के अनुदिश दिशा में चल रहा है और विपरीत दिशा में कितना चल रहा है, 10 घंटे लगा रहा है। तो अब देखो अगर धारा की चाल 1 किलोमीटर पर हावर होगी तो अपन को इसी का सूत्र लगा लो, आप धारा की चाल वाला ही सूत्र लगा लो। धारा की चाल का सूत्र क्या है, 1/2 × धारा के अनुदिश चाल और माइनस धारा के विपरीत चाल। तो धारा के अनुदिश चाल, ये जैसे डिस्टेंस है ये अपन को डी मान लिया, तो धारा के अनुदिश चाल क्या होगी, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी है यहाँ, डी, और समय कितना है,
8 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब धारा की अनुदिश चाल होगी डी बटे 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर मैं विपरीत दिशा की बात करूं तो वो क्या होगी, डी बटे 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो धारा की अनुदिश चाल यानी डी बटे 8 माइनस डी बटे 10, ये क्या होगा, धारा की चाल होगी। और धारा की चाल इसने कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर, ये लो बराबर में 1। इसको सोल्व कर दो और डिस्टेंस निकालो, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालो। यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, एक मिनट, इसमें एक मिनट, देखो इसको अपन सोल्व करेंगे तो जो धारा की चाल है ये आगे, इसको सोल्व करो, डी यहां से कॉमन आ जाएगा, 1/8 और 1/10 का एलसीएम लोगे, 40 एलसीएम आएगा, 8 × 40 और 10 × 40 बराबर 2, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो गया, 80। इसका मतलब वो कितने किलोमीटर थी, 80 किलोमीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस थी 80 किलोमीटर। अब ये किस पूछ रहा है, धारा के अनुकूल दिशा में पूछ रहा था, धारा के अनुदिश चाल ये पूछ रहा था। तो देखो 8 घंटे लग रहे थे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है अपने पास, 80, और समय कितना है, 8 घंटे। तो 80/8 कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी, अनुदिश दिशा में चाल होगी। धारा के अनुदिश दिशा में कितनी होगी, 80/8। और अगर धारा के विपरीत दिशा में पूछे तो विपरीत दिशा में अपन ने कितनी मानी थी, डी बटे 10। डी का मतलब 80 यानी, सॉरी 8 दिशा, 80/10 कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर। यानी विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो 8 किलोमीटर पर आवर होगी, और अनुदिश दिशा में जो चाल होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा था अपन से, वो पूछा था धारा के अनुदिश दिशा में चाल, तो धारा के अनुदिश दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन लिखने में इसने गलती कर दी, ये 10 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में बिखरा है क्या क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। चलो शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों, या तो वो आपको शांत जल की चाल दे देगा, धारा के अनुदिश दिशा में चाल दे देगा, हो सकता है वो धारा के विपरीत दिशा में पूछ ले, हो सकता है वो धारा की चाल पूछ ले। ये चार कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे आपको, चार में से वो दो जरूर देगा आपको। हो सकता है वो धारा के अनुदिश दिशा में दे दे, धारा के विपरीत दिशा में दे दे और धारा की चाल पूछ ले, हो सकता है वो नाव की शांत जल में चाल पूछ ले। तो ये चारों कॉम्बिनेशन में से एक क्वेश्चन निकलता है। शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर पर आवर है और यह धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति ज्ञात करो। देखो शांत जल में चाल दे दिया, धारा की दिशा में चाल दे दिया और धारा की गति पूछ रहा है, तो यह तो सीधा सा है, शांत जल में जो चाल है, शांत जल में नाव की जो गति है, नाव की गति दे दी इसने 14 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल जो दे रखी है इसने, वो कितनी दे रखी है, 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर। देखो निखाड़ो पहले इसकी चाल निखाड़ो, 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर चल रहा है। इसको पूरे को मैं कन्वर्ट करूँ मिनट में तो क्या होगा, 95 मिनट, 60, 40, 90 और 5, 95 किलोमीटर। इसका मतलब 95 मिनट में ये 28 किलोमीटर चल रहा है। अपन को निकालना कितनी है, 60 मिनट की चाल निकालने के लिए अपन को हमेशा 60 मिनट की निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो 60 मिनट की निकालो, 28/95 × 60, ये क्या हो जाएगी, 1 घंटे में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे, 12 × 1 = 45, 19 × 4 = 45, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 12 × 4 = 95 ही है ना ये,
सॉरी 105 आएगा ये, 60 और 45 जोड़ोगे तो ये 105 मिनट आएगा, कितना आएगा 105। तो 105 का इसमें डिवाइड करोगे 5 × 10 = 21 3 × 12 = 21 और 7 × 28 4 × 16 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी जो चाल आई वो कितनी आई, 16 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई, 16 किलोमीटर पर आवर। 60 मिनट में कितनी दूरी तय करा वो अपन ने निकाल लिया, वो उसकी क्या होगी, चाल होगी। 16 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, अनुकूल चाल। देखो धारा की दिशा में अगर कोई नाव चलेगी तो इसका मतलब उसकी चाल कौन सी होगी, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की अनुकूल दिशा में चाल होती है वो होगी शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्लियर, ये कितनी है 16 किलोमीटर, शांत जल में इसने दे रखा है 14 किलोमीटर और धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल निकालोगे तो ये 14 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इधर माइनस कितना हो जाएगा, 16 − 14 = 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी, शांत जल में चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी, शांत जल में चाल हो जाएगी। कुछ नहीं, इसमें धारा की दिशा में दे दिया और शांत जल की नाव की चाल दे दिया, इन दोनों की चाल को अपन माइनस सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तो चाल निकालना सीखो, जैसे कोई दे दिया अपन को 40 मिनट में वो 8 किलोमीटर जाता है तो वो उसकी चाल याद करो, जैसे 40 मिनट में कोई 8 किलोमीटर जाता है तो अगर उसकी किलोमीटर पर आवर में अपन चाल याद करेंगे तो क्या करेंगे अपन, 60 मिनट के बराबर उसका वैल्यू निकाल लेंगे। 60 मिनट के बराबर कैसे निकलता है कि 8 बटे पहले 1 मिनट का निकालेंगे, 1 मिनट का मतलब 8 बटे 40 गुणा 60 मिनट का निकाल रहे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ अपन को 30 मिनट का देता तो यहाँ बटे में 30 आ जाता, यहाँ अपन को 20 मिनट का देता तो यहाँ बटे में 20 आ जाता। तो अपन सबसे पहले उसकी चाल निकालना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर मिलेगा आपको। जैसे अभी एक क्वेश्चन है, NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर पर हावर है, धारा की चाल दे दी इसने, धारा की चाल जो दे दी वो दे दी साहब 3 किलोमीटर पर हावर। क्लियर है। और शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर पर आवर है, तो व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय कितना है। देखो ये जरूरी नहीं कि अपन नदी के अंदर धारा के अंदर नाव की चाल ही निकाले, नाव ही तैर सकती है, हो सकता है उसमें व्यक्ति भी हो सकता है, हो सकता है कोई स्ट्रीमर कुछ भी हो, कोई अन्य वो भी हो सकता है। तो यहाँ व्यक्ति दे रखा है तो व्यक्ति की, तो इसमें दे रखा है शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल दे दी और शांत जल में व्यक्ति की चाल दे दी इन्होंने, व्यक्ति की चाल कितनी दे दी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो व्यक्ति धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय कितना है। कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले धारा के अनुकूल दिशा में वो किस स्पीड से चल सकता है वो देखो, धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल, धारा के अनुकूल व्यक्ति की जो चाल होगी वो कितनी होगी। देखो शांत जल में 5 किलोमीटर है और धारा की 3 है, तो अनुकूल बात करेंगे तो जो ऐड हो जाएंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या होगी इसकी, धारा के अनुकूल दिशा में चाल। अगर यहाँ प्रतिकूल की बात करते तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, 5 − 3 हो जाता। तो ये धारा के अनुकूल दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो पूछ रहा है कि 26 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। कुछ नहीं दोस्तों, जब 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर चल रहा है तो ऐसे ले लो कि 8 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो इसका मतलब 26 किलोमीटर कितने देर में चलेगा, 1/8 × 26 ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, 8 × 24 सही बच गए कितने, 2/8 यानी 3 सही, 1/4 क्या हो गया इसका हावर्स क्या हो गया इसका आंसर हो गया, 3 सही 1/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन NTPC SSC कुछ CDS वगैरह सभी में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के जो आए हुए क्वेश्चन हैं
वही अपन एमडी कैरे क्लासेज में उठाते हैं, ताकि बच्चों को जो पिछली जो एग्ज़ाम दी गई हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका अनुभव हो सके। यही खास बात है दोस्तों एमडी कैरियर क्लासेज की। अपन बात कर रहे हैं अब एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है। स्टीमर बोल दो, नाव, व्यक्ति, कोई भी धारा के अंदर चल सकता। एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। दो बंदरगाह हैं दोस्तों, ये लो दोस्तों, और इनको वो धारा के अनुकूल दिशा में 6 घंटे में तय कर रहा है दोस्तों, 6 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। और यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल वो 8 घंटे में तय करता है, धारा के प्रतिकूल वो उसे 8 घंटे में तय कर रहा है दोस्तों। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर हो, देखो धारा की चाल इसने दे दी, कितनी दे दी 3 किलोमीटर पर आवर, तो शांत जल में स्टीमर की गति क्या है? देखो अपन ने वही चीज़, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था दोस्तों, कि इस दूरी को अपन डी मान लेते हैं। ये दूरी क्या है? डी है। तो धारा की दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी? दूरी बटा समय, यानी डी बटे 6। क्लियर है? धारा की प्रतिकूल दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी? डी बटे 8। दूरी बटा समय होती है चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, जो कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो दूरी डी है, समय 6 घंटे लग रहे हैं तो 6, और 8 घंटे लग रहे हैं तो 8। तो अपन को पूछ क्या रहा है? शांत जल में स्टीमर की चाल। तो सबसे पहले धारा की चाल इसने दे दी अपन को 3 किलोमीटर। पहले धारा की चाल का सूत्र लगाते हैं। धारा की चाल का सूत्र क्या होता है? 1/2 धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी है? डी बटे 6 माइनस धारा के अनुकूल दिशा में चाल, ये होती है धारा की चाल। धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल, और उसका अपन हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी? धारा की चाल। और बराबर अपन को कितना दे दिया? 3 किलोमीटर, 3 दे दिया। यहां से अपन डी निकाल लेंगे, दूरी पता चल जाएगा, तो फिर अपन कोई भी चाल निकाल सकते हैं। यहां से दोस्तों आप डी निकालोगे तो यहां 24 LCM आएगा, 3 × 6, तो D कितना हो जाएगा? 24 × 6 क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। 6 × 24 और 6 × 12 और 2 = 144 किलोमीटर क्या हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब उन दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है? 144। अब पूछ क्या रहा है? शांत जल में स्टीमर की गति पूछ रहा है दोस्तों। देखो सबसे पहले धारा के अनुकूल दिशा में निकाल लो कितनी हुई, धारा के अनुकूल दिशा में कितनी होगी? धारा के अनुकूल दिशा में जो चाल होगी, दिशा में जो चाल होगी वो होगी डी बटे 6। डी का मतलब 144/6, तो 144/6 कितने हो गए? 6 × 12 = 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर हो गई। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है, तो शांत जल में कितनी होगी? माइनस कर देंगे, शांत जल में जो चाल होगी वो धारा की दिशा में जो चाल है उसमें से धारा की चाल माइनस घट देंगे, तो 21 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, 21 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। कुछ नहीं, सबसे पहले अपन उसने समय दे रखा था, अपन डिस्टेंस मान ली, उससे अपन ने चाल, काल्पनिक चाल ज्ञात कर ली। काल्पनिक चाल को अपन ने धारा की चाल वाले सूत्र में रख दिया कि साहब धारा के अनुकूल दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल, और उसका अपन हाफ कर देंगे तो वो क्या होगी? धारा की चाल। धारा की चाल इसने अपन को 3 किलोमीटर दे रखा है। यहाँ से अपन ने डिस्टेंस प्राप्त कर ली, डिस्टेंस साहब 144 किलोमीटर है। डिस्टेंस प्राप्त कर ली तो डिस्टेंस यहाँ रख देंगे डी की वैल्यू, तो ये धारा की दिशा की चाल आ गई। धारा की दिशा की जो चाल आ गई उसमें से अगर धारा की चाल घटा देंगे तो वो क्या होगी? शांत जल में चाल होगी। इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ रखते तो धारा की विपरीत दिशा में चाल आती और फिर उसमें अपन को क्या करता? शांत जल में ये जो धारा की चाल है वो ऐड करनी पड़ती, तो वो शांत जल में चाल प्राप्त हो जाती। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई क्रमशः दूरी ज्ञात करो। यही भी क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 के अंदर। कुछ नहीं, बहुत सीधा क्वेश्चन है। इसने शांत जल में चाल दे दी साहब, शांत जल में
नाव की चाल कितनी दे दी, 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। और दारा की चाल दे दी इसने, दारा की चाल भी दे दी इसने 6 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, अब अगर अपन दारा के अनुदिश दिशा में और या विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, सब अनुदिश दिशा में निकालनी है तो इनको ऐड कर देंगे और विपरीत दिशा में निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है कि 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दूरी, कुछ नहीं, धारा की दिशा के निकाल लो सबसे पहले। धारा की दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी, धारा की दिशा में चाल होगी शांत जल की चाल प्लस धारा की चाल, यानी 30 + 6 कितने हो गए, 36 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साहब वो 60 मिनट में 36 किलोमीटर चल रही है, तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मिनट का ही पूछ रहा है, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितनी करेगा, 36/60 × 5, ये क्या हो गए इसकी आंसर, काटोगे 12 × 36, यानी इसका मतलब 3 किलोमीटर दूरी वो धारा की दिशा में तय करेगा। तो 3 किलोमीटर वाले ऑप्शन 1, 2, 3, ये तीन हो सकते हैं, ये गलत गया। अब इसमें विपरीत दिशा में निकाल लो, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल निकालोगे तो वही चीज़ है दोस्तों, विपरीत दिशा में क्या होगी, 30 - 6 कितने हो गई, 30 - 6 कितने हो गई, 24 किलोमीटर पर आवर। तो वही चीज़ है कि 60 मिनट में साहब 24 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 5 मिनट में कितने चलेंगे, 24/60 × 5, वही 12 × 12 = 24, इसका मतलब 2 किलोमीटर चलेंगे। तो यहाँ 2 किलोमीटर वाला कौन सा आंसर है, ये लो, अनुप्रवाह मतलब दिशा और उर्ध्व प्रवाह यानी विपरीत, उर्ध्व प्रवाह मतलब होता है विपरीत दिशा, तो ये इसका डी क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। देखो वैसे भी देखो, अगर ऑप्शन से करना चाहें इस क्वेश्चन को, अपन सोल्व न करके अपन ऑप्शन से इसको सोल्व करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, देखो कभी भी धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल बराबर, वो दूरी बराबर नहीं हो सकती एक समय में, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, क्योंकि धारा की दिशा में हमेशा ज़्यादा दूरी तय करेगा वो और धारा की विपरीत दिशा में कम करेगा, तो ये तो हो गया वैसे ही कट गया। धारा की दिशा में वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और धारा की विपरीत दिशा में कम करेगा, लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है तो इसका मतलब ये भी कट गया, ठीक है। अपन बात करते हैं, अब बच गए ऑप्शन अपने पास एक ये और एक ये भी देखो बराबर है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये भी कट गया। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व न करके अपन ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे, यानी इसमें ऑप्शन इस हिसाब से दे रखा है, इन दोनों में देखो धारा की दिशा और विपरीत दिशा की बराबर चाल दे रखी है, इसलिए दोनों ऑप्शन कट गए। इनकी बात करें तो यहाँ विपरीत दिशा की चाल दूरी क्या है, ज़्यादा दे रखी, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकती, तो ये इसका आंसर। तो अपन ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटे है और 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, तो धारा की विपरीत दिशा में वापस आती है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। वो ये दोस्त ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो शांत जल में चाल अपन को दे रखी है इसने, शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखी है, शांत जल में ताल दे रखी है। वो ये कह रहा है कि 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, तो धारा की दिशा की चाल ज्ञात कर लो भाई, धारा की दिशा की चाल होगी, दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी, ये 4.5 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, देखो 4.5 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, अगर चाल ज्ञात करनी है तो अपन को कितना काटना पड़ेगा, एक घंटे में कितना चलेगा, तो 30/4.5 चलेगा, तो 30/4.5 करोगे तो ये कितना हो गया, 300/45 तो ये कितना हो गया, 45/9 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी चाल, कितनी आ गई, 100/9 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, कुछ नहीं, धारा की दिशा में चाल 100/9 है, शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर अपन को धारा की चाल निकालनी हो तो 100/9 में से 15 निकाल देंगे, शांत जल में जो चाल है
वो निकाल देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। तो 100/9 में से 15 घटाओगे तो वो किसके आओगे, इसके आंसर होगा। 30 किलोमीटर दे रखा है ना इसने 4.5 घंटे में। ये गलती होगी ना, 5×6=30 यहाँ 60 आएगा, सॉरी 3 और ये आएगा 30, 10 किलोमीटर अगर आएगा ये। ये तो आ गया देखो, 45 को 300 में भाग दोगे, 5×9=45, 5×6=30 और 60 हो गया, और 60 को इसमें दोगे 3×2=20, 20/3 आएगा, सॉरी 20/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यह आएगा 20/3, 20/3 आएगा यहाँ, ठीक है। धारा की दिशा में चाल है ना, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 4.5 घंटे 30 किलोमीटर जाता है ना। 45 क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो रखी है दोस्तों, 5×9=45, 5×30=60, 3×20=3, 1 मिनट देखना तो। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ ये 4.5 घंटे ने दे करके ये धारा की दिशा में चाल दे रखी है इसने 30 किलोमीटर पर आवर, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं आ रहे। तो इस क्वेश्चन को आप रिजेक्ट कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल वाई किलोमीटर पर आवर हो, तो एक स्थान पर पहुँचने और वहाँ से वापस लौटने में लगा समय टी घंटे हो, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल वाई किलोमीटर पर आवर दे रखा है, एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय टी घंटे हो, तो किसी एक दिशा में तय की गई। देखो धारा की दिशा में चाल कितनी दे रखी है इसने, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ये धारा की दिशा में चाल हो गया, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा की बात करूंगा तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब ये कह रहा है कि वहां पहुंचने और वापस लौटने में टी घंटे लगते हो, मानो कि वो दूरी डी है, तो वो डी दूरी जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, टी समय। तो देखो इसका तरीका यह है कि अपन को ये दे रखा है और जाने आने का समय दे रखा है इसने टी, तो टोटल समय कितना लगा वो निकाल लेते हैं अपन। इसको जाने में समय निकालते, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल क्या होगी, समय होगी। तो दूरी बटे चाल मतलब दूरी दे रखी है अपन को डी और चाल दे रखी है एक्स प्लस वाई, ये समय तो लगेगा कौन सा, धारा की दिशा में जाने में। धारा की विपरीत दिशा में कितना लगेगा, डी बटे एक्स माइनस वाई, ये क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में, दूरी बटे चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल इसमें एक्स माइनस वाई है और धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई, ये क्या क्या है, टोटल समय है। टोटल समय मतलब टोटल समय अपने पास क्या लग रहा है, टी, ये टी की वैल्यू है। तो सबसे पहले अपन डी ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, तो डी ज्ञात करेंगे तो टी इजिकस टू यहाँ एलसीएम आएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा डी तो कॉमन आ गया और एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, डी। तो डी बराबर होगा, जो डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी टी इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बटे
2x, ये किसकी वैल्यू होगी, ये d की वैल्यू होगी। पूछ क्या रहा है, एक दिशा में तय की गई दूरी, कुछ नहीं, एक दिशा में तय की गई दूरी पूछ रहा है ना। हाँ तो d तो पूछ रहा है, डिस्टेंस तो पूछ रहा है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा दोस्तों, ये आंसर होगा, क्योंकि इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को अपन लिख सकते हैं t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ एक्स वाई नहीं होगा, यहाँ 2x होगा, नीचे ध्यान रखना, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इसका आंसर हो गया है दोस्तों। कितना क्या समय हो गया, 40 मिनट हो गए, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय कर रही है, तो धारा की विपरीत दिशा की चाल निकालेंगे अपन, विपरीत दिशा की चाल, दिशा की जो चाल निकालेंगे, देखो इसने 3 घंटे में 3 आवर्स में 30 किलोमीटर कर रहा है, इसका मतलब 1 आवर्स में कितना करेगा 10 किलोमीटर, इसका मतलब इसकी जो चाल होगी वो होगी 10 किलोमीटर पर हावर, क्लियर है। अगर धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है 30 किलोमीटर, अगर धारा की दिशा में 1 घंटे में कर रही है, इसका मतलब धारा की दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, ये धारा की दिशा की चाल आ गई, ये धारा की विपरीत आ गई जो क्या पूछ रहा है, तो यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी शांत जल में, शांत जल में पूछ रहा है। तो पहले तो शांत जल में नाव की चाल निकाल लो, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं, 1/2 प्लस धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये शांत जल की चाल होगी, तो 30-40-20 किलोमीटर पर आवर आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर शांत जल में चाल होगी, इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर कितने देर में चलेगा 1 घंटे में, तो 60 किलोमीटर कितने देर में चलेगा 1/20 × 60 यानी 3 घंटे में, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, तो 3 घंटे में ये तय करेगी दूरी। ये अपन अपने क्वेश्चन से दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन हैं और हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है, 56 किलोमीटर की दूरी 3.5, ये SSC में आया क्वेश्चन है दोस्तों, CGL में। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का अनुपात दे रखा है, और नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। देखो धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में कर रहा है, तो इसका मतलब धारा की दिशा में जो चाल होगी, दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी, 56/3 किलोमीटर पर आवर, इसको सोल्व कर लो तो 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में चाल। अब कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, देखो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल दे दी इसने, कितनी धारा की चाल कितनी दे दी, 3:1, क्लियर है। तो नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर दूरी तय करने में, कुछ नहीं, देखो 3:1 दे दिया, ये स्थिर जल की होगी और ये धारा की चाल होगी, ऐसे मानो इसको मैं मान लिया कि स्थिर जल में जो चाल होगी वो होगी 3x, ये तो क्या होगी स्थिर जल की चाल, और धारा की चाल होगी जो क्या होगी 1x यानी x, क्लियर है, धारा की चाल होगी x। अगर अपन को धारा की दिशा में चाल ज्ञात करनी हो तो स्थिर जल में चाल और धारा की चाल को ऐड करते हैं, तो मतलब 3x और प्लस x को ऐड करूंगा तो वो किसकी चाल होगी, धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा की चाल अपन कितने दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 4x = 16 है, तो x का मतलब कितना हुआ 4 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पता चल गया होगा कि धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और अगर स्थिर जल की चाल की बात करें तो 12 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है, जो सोल्व कर दो, पूछ रहा है कि नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो ये तो देखो
वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन अपन अगर ये नहीं निकालते तो भी इसका आंसर आ रहा था। कैसे? 16 किलोमीटर पर आवर है, यानी 16 किलोमीटर वो एक घंटे में चल रही है, तो 41.6 किलोमीटर डायरेक्ट दिशा में पूछ रहा है तो कितने देर में चलेगी, तो 1/16 × 41.6 अगर इसको सोल्व करोगे तो वो अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, धारा की दिशा में तो चाल दे ही रखी नहीं इसने। ये क्वेश्चन है ना, धारा की दिशा की जगह धारा की विपरीत दिशा आएगा, क्योंकि ये तो अगर धारा की दिशा की चाल तो अपन को दे दी, तो ये क्वेश्चन धारा की दिशा में न पूछ के ये धारा की विपरीत दिशा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विपरीत दिशा में अगर अपन क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर अपन को इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो अपन क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि सब स्थिर जल की चाल तो हो गई 12 और धारा की चाल हो गई कितनी 4, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर, और आगे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे अपन सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अपन अब नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे कल, उसमें अपन परसेंटेज पढ़ेंगे, और परसेंटेज में से क्वेश्चंस सभी एग्जामों में आते हैं, और अपन और नेक्स्ट जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो पढ़ेंगे उसमें अपन परसेंटेज की भूमिका अच्छी रहती है दोस्तों, तो उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपन चलेंगे, उससे अपन की अगर परसेंटेज अगर अपन ने अच्छा पढ़ लिया तो अपनी स्पीड भी बढ़ेगी, मैथ्स के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए परसेंटेज को अच्छी तरीके से क्लियर करना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।